गुजरात के बनासकांठा की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता मनी शंकर अय्यर के घर हुए सीक्रेट मीटिंग को लेकर कांग्रेस पर हमले किए। आखिर उस सीक्रेट मीटिंग की असलियत क्या है, देखिए ये रिपोर्ट। बनासकांठा की एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात चुनाव में पाकिस्तान पर दखल देने का आरोप मढ़ दिया। उन्होंने कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर के घर हुई एक मीटिंग को सीक्रेट मीटिंग बताते हुए कहा कि इसमें पाकिस्तान के उच्चायुक्त समेत पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह शामिल हुए। मगर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी समेत पूरी कांग्रेस पर लगाए गए ये आरोप सच से कोसों दूर हैं। इसकी कई वजह हैं। 6 दिसंबर को मणिशंकर के घर हुई मीटिंग सीक्रेट नहीं थी। बैठक में मनमोहन सिंह के अलावा हामिद अंसारी, पूर्व विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी, भारतीय थलसेना के पूर्व अध्यक्ष दीपक कपूर, पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त रह चुके टीसी ए राघवन, के शंकर वाजपाई, शरद सभरवाल, पूर्व राजनयिक चिन्मय गरेखान, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम शंकर झा और पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त रह चुके सलमान हैदर सहित करीब 20 लोगों ने हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक को गुप्त करार दिया है, लेकिन ऐसी बैठकों के बारे में सरकार को सब कुछ पता होता है। पूर्व विदेश मंत्री कसूरी या फिर पाकिस्तानी हस्तियों को वीजा आखिर भारत सरकार ने ही जारी किया है। मोदी के आरोप के बाद पूर्व थलसेना अध्यक्ष दीपक कपूर और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम शंकर झा ने मीडिया से बात की। दोनों ने दावा किया कि इस बैठक में भारत की राजनीति पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। बैठक में बातचीत भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध सुधारने के इर्द गिर्द घूमती रही। सवाल यह है कि अय्यर के घर हुई बैठक में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में भारत के पूर्व थलसेना प्रमुख, कई उच्चायुक्त और पत्रकार भी शामिल थे। क्या प्रधानमंत्री को उनकी भी देशभक्ति पर भरोसा नहीं है, या फिर महज गुजरात चुनाव के दौरान उन्होंने हल्की बयानबाजी कर दी है? ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।